विशाल मानव। करो मत तुम चिंता मानव, हो जाएगा सब ठीक। बोलू, मुझे अपनी बर्थडे पार्टी मनाने का दुख नहीं है, मुझे तो उस बात का कि मैं अपने घर वालों के साथ बर्थडे पार्टी नहीं मना पा रहा हूँ। मैंने हर साल अपने घर वालों के साथ बर्थडे पार्टी मनाई है, लेकिन इस साल मैं नहीं मना पाऊंगा। आ नहीं रहा समाज का, मैं करूँ भी क्या, नहीं कर सकता मैं भी कुछ बालवीर के जादू के आगे। बोलो डुबा डुबा एक, क्या हुआ है? तुमने मुझे अचानक पृथ्वीलोक पे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? तो सब ठीक ही, बस 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 क्या कर दिए मैंने गड़बड़। कैसी गड़बड़ डुबा डुबा एक? वो उपयोग कर लिया था मैंने आपके बनाए हुए अदल बदल यंत्र का, चुरा लिया था मैंने वो प्रयोगशाला से। अधूरे ज्ञान का उपयोग करना हमेशा बहुत हानिकारक होता है और तुमने वही किया है। मानता हूँ मैं अपनी गलती, कर दीजिए मुझे माफ। अब कुछ भी करके बना दीजिए मानो को मानो और मोंटू को मोंटू। ये इतना आसान नहीं है डुबा डुबा एक। मैं कब से अदल बदल यंत्र को बदल अदल यंत्र बनाने में लगी हूँ, लेकिन वो यंत्र ठीक ही नहीं हो रहा। कीजिए कुछ भी, बस मना पाए मानो खुद अपना जन्म दे। ठीक है, मैं कोई वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बिल्कुल ऐसा ही हो। और डुबा डुबा एक, तुम भी आगे से ध्यान रखना, क्योंकि हमारी एक गलती किसी और के जीवन में कोई बड़ी मुसीबत ला सकती है। नटखट परी, पकड़ता हूँ मैं अपने कान, आगे से नहीं होगी ऐसी गलती, कर दीजिए माँ। ठीक है, मैं प्रयोगशाला जाके काम शुरू करती हूँ। अब जब तक नटखट पर ही नहीं लौटती, कोशिश करनी होगी मुझे मानव को घर में लाने की। फिर कैसे? इच्छा चक्री बाकी है, अभी एक इच्छा चक्री। अगर इच्छा चक्री ने ही रोका है मानव को घर में आने से, तो इच्छा चक्री लाएगी मानव को घर में। मेरे किस्मत की चाबी, या फिर इससे खुलेगा आपके बुरे समय का दरवाजा। पूरा समय मेरा नहीं, बालवीर का शुरू हो रहा है। अगर वो यहाँ भवंडर रूप में आया तो तो फिर है ये चाबी किस ताले की? ये बारिश के बादलों की आजादी और मेरी बालवीर से जीत की चाबी। माना हो आप परी भवंडर, लेकिन जरूरी नहीं है कि कहो हर बार अपनी बात गोल गोल घुमाकर अपने भवंडर की तरह। सही कहा तुमने तौबा तौबा, मुझे तुम्हें हर बार आसान शब्दों में ही समझानी होगी, क्योंकि तुमसे अकलमंदी की उम्मीद रखना मेरी बेवकूफी। तौबा तौबा, ये वो चाबी है जिसके बगैर बालवीर बादलों को कैद से आजाद नहीं कर पाएगा, और उसके लिए
उसे मेरे सामने आना ही। आप समझ में आए? तुम गलत सोच रही हो बाउंडर परी। मैं बाउंडर लोक में आ गया हूँ और तुमसे ये चाबी भी लेकर जाऊंगा बिना तुम्हें पता लगे। अगर है ये चाबी इतनी जरूरी तो समा दो इसे अपने जादुई दल में। अगर लग गई है बालवीर के हाथ तो शुरू हो जाएगी आपकी बर्बादी। क्या बात है तौबा तौबा, बड़ी अकलमंदी की बात की तुमने। इतना अच्छा सुझाव दिया, लगता है कभी कभी तुम्हारे दिमाग की सूखी जमीन में हरियाली आ ही जाती है। मैं अभी इस चाबी को अपने दंड में समा लेती हूँ, फिर बालवीर ये चाबी कभी नहीं खोज पाएगा। हाँ, एक बार चाबी जादुई दंड में समा गई तो फिर उसे हासिल करने के लिए मुझे बाउंडर परी के सामने जाना ही पड़ेगा। कैसे रोको चाबी को दंड में समाने से? तुम्हारी सही जगह मेरे इस दंड में। हेलो, कौन बोल रहे? अरे ये तो रोहित की आवाज है। मैं बोल रहा हूँ, रोहित कमाल है, यहाँ से भी रोहित ही बोल रहे हैं। नाम पूछ उसका। सॉरी सॉरी, नाम बोलना बेवकूफ। क्या तुम्हारा नाम बेवकूफ है? हमें मानव से बात करनी है। ये रोहित केवल मानव को क्यों फोन कर रहे? पता लगाना होगा। मैं मानव भी बोल रहा हूँ। अबे पिद्दी, तो इधर से टाइम पास क्यों कर रहा था? सीधे सीधे बोल नहीं सकता था मैं मानव हूँ। अबे सुन, क्या बोल रहे तू? पागल हो गई क्या? डांट क्यों रहा उसको? मानव जी, वो क्या है ना, आज तक हमने आपके साथ जो भी गलत व्यवहार किया है हम आपसे उसकी माफी मांगना चाहते हैं। मानव जी धोखेबाज। धोखेबाज हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, आगे बढ़ो। हाँ मानव जी, हमने आपके साथ जो भी किया वो उस मोटे गिरने मोंटू जैसे कैस के गुब्बारे के दबाव में आकर किया। मानव जी, वो मोंटू ना ना हमें अपने पिज्जा बर्गर के लालच दे दे के अपने एहसानों के नीचे दबा दिया था और हमसे आपको परेशान करवाया और खुद आपका दोस्त बन गया। हाँ मानव जी, हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं मानव जी। हाँ मानव जी, उस समुद्र जहाज जैसे मोंटू, उस पानी के टैंकर और उस मोटे जैसे ढोल को कभी बॉस नहीं कहेंगे। मानो जी, क्या मैं आप मिल सकते हो? कहाँ? ग्राउंड के पीछे वाले क्लब हाउस में। वो क्या है ना, वो आपके बर्थडे पार्टी के पहले हम आपके पैरों में गिर के आपसे माफी मांगना चाहते हैं मानव जी। हाँ अभी आता हूँ। रोहित केवल, आज तुम्हारी माफी नहीं काफी काफी पिटाई होगी। मुझे गैस का गुब्बारा कह रहे थे लेकिन आवाज में इनकी निकालूंगा। गद्दार कहीं के, इस बैट से इनके छक्के नहीं छुड़ा है ना तो कहना, लेकिन ये दोनों है कहाँ? मानव जी, अरे रुकिए रुकिए, आ गए धोखेबाज। बस एक बार तुम दोनों मेरे पैरों में गिरो फिर हम तो उठेंगे पर तू नहीं उठ पाएगा। माफ कर दीजिए मानव जी, वो क्या है ना, आज तक हमने जो भी आपके साथ गलत किया ना उसकी हम माफी मांगना चाहते हैं मानव जी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए मानव जी। हाँ ठीक है, पर ये सब क्या है? वो क्या है ना मानव जी, लाइफ में हम आपसे पहली बार माफी मांग रहे हैं तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना रिबन काट के ही ये माफी मांगने का प्रोग्राम शुरू किया जाए। ये लीजिए, काटिए इसे। काटो मानव जी। ये
आइए आइए बैठिए बैठिए जी। मानव जी हमें माफ कर दीजिए मानव जी प्लीज मानव जी सॉरी मानव जी सॉरी हाँ सॉरी मानव जी सॉरी मानव जी हम बहुत शर्मिंदा है मानव जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए मानव जी प्लीज अरे छोड़ो मुझे अरे अरे मानव जी बैठिए ना अभी प्रोग्राम खत्म थोड़ी ना हुआ है हो गया हाँ लो प्रोग्राम खत्म हो गया सॉरी मानव जी थोड़ी देर हो गई प्रोग्राम खत्म होने में अब आप उठ सकते हैं मानव जी हाँ उठ सकते हैं अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग हंस रहे और वो भी तुम पर अरे बेवकूफ ए बिल्कुल बॉस के जैसे बेवकूफ बोलता है ना ये चुप अरे तू सुन तेरी पार्टी होगी हम सब भी होंगे लेकिन तू वहाँ नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि तू यहीं बंधा रहेगा अरे रुको अरे रुको बेवकूफ मैं मान रहा हूँ समझ नहीं आता मैंने इनकी वफादारी पे शाबाशी दूं या फिर मेरे पूरे प्लान पे पानी फेरने की सजा मैं क्या करूं अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही बंधा रहा तो मानव की बर्थडे पार्टी खराब कैसे करूंगा हो गया मेरा बर्थडे खराब मेरे घर वाले मुझे पहचान ही नहीं रहे और मैं अपने घर के अंदर जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं मेरे घर के अंदर नहीं जाऊंगा तो मैं मेरा बर्थडे कैसे मनाऊंगा मेरा बर्थडे केक कैसे काटूंगा मेरी बालवीर वाली ड्रेस कैसे पहनूंगा बचाओ 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 मुझे अरे मेरी मन की आवाज मुझे बाहर क्यों सुनाई दे रही है बचाओ नहीं ये तो मानव की आवाज है मानव तो मैं हूँ हाँ ये मोंटू की आवाज है क्या किस्मत है मेरी जब मैं मानव था तभी भी मैं ही बचाओ बचाओ चिल्लाता था और आज जब माउंटू मानव है तभी भी वो ही चिल्ला रहे बचाओ बचाओ एक मिनट माउंटू क्यों चिल्ला रहे बचाओ बचाओ वो भी उस क्लब में से अभी जाकर देखता हूँ बालवीर इस बार धरती पर बारिश नहीं होगी चारों तरफ सूखा ही सूखा पर बालवी तुम चाहो तो इसे रोक सकते हो मुझसे युद्ध करके पर लगता है परियों ने तुम्हें डरपोक बना दिया है इसलिए तुम में हिम्मत ही नहीं है मेरा सामना करने यू खड़ी रहकर मत कीजिए बातें बड़ी बड़ी चारों तरफ सूखा ही सूखा है बड़ी आई मतलब अगर आ गया बालवीर तो कर देगा आपकी छुट्टी यही तो मैं चाहती हूँ तोबा तोबा कि वो यहाँ आए तो क्या बालवीर आएगा यहाँ मतलब मतलब बालवीर जाएगा वहाँ है बारिश के बादल जहाँ फिर सही कहा तुमने मैं वही जाऊंगी जहाँ बारिश के बादल कह दे बालवीर का इंतजार कर समझ में आया वो चाहे परी भयंकर या परी भवंडर ना मैं कुछ करूं तो नहीं ये कुछ काम की आ गया है बालवीर हे नटखट परी जीते कछुआ हारे खरगोश तौबा तौबा हो जाए बेहोश परी
अब मुझे बवंडर परी से पहले उस तहखाने में पहुंचना होगा जहां बारिश वाले बादल है। अरे मुंडो, तुझे किसने बांधा? रोहित केवल ने। रोहित केवल ने? इसलिए किसी समझदार इंसान ने कहा कि जैसे बीज बोएगा वैसा ही फल मिलेगा। अरे है कौन ये समझदार आदमी जो ऐसे बोलते रहते है? मैं चल फिद्दी, मुझे जल्दी से खोल दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। तुझे खोल दू? मुझे क्या पागल समझा क्या? हाँ। इसलिए मैं तुझे नहीं खोलूंगा। देख फिद्दी। मुंडू बेटा शांत, अगर ये भी यहाँ से चला गया ना तो यही बंदा रह जाएगा। अच्छा ठीक है, तू पागल है मैं पागल, बस अब खुश है? अब तो खोल दे। नहीं, क्योंकि किसी समझदार इंसान ने कहा है कि पागलों को खुला नहीं छोड़ते। अरे कौन है समझदार इंसान? मैं। अरे तेरी। अच्छा ठीक है, माना कि मैं बुरा हूँ, तुझे तंग करता हूँ, लेकिन मैं भी तुझे प्रॉमिस करता हूँ अगर तूने मुझे खोल दिया तो मैं तुझे तेरी तीसरी और आखिरी इच्छा चक्री वापस कर दूंगा। सच्ची? हाँ हाँ सच्ची, और तू घर में भी आ पाएगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। नहीं नहीं, कोई बेवकूफी होगा जो तेरे प्रॉमिस पे भरोसा करेगा। इसीलिए तो प्रॉमिस कर रहा हूँ। मतलब ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। और हाँ, मैं तुझसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं घर वालों को सब कुछ सच बता दूंगा। सच? हाँ हाँ सच्ची। नहीं नहीं, तू पहले भी एक बार पलटी मार चुका है। अरे पर मैंने तब प्रॉमिस नहीं किया था, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ। सोच, मैं मानव होके कभी झूठ बोल सकता हूँ क्या? कभी झूठी कसम खा सकता हूँ क्या? नहीं ना, तो फिर मुझे खोल देना। और सोच माना, सोच, तू अपनी बर्थडे पार्टी अपने पूरे परिवार के साथ मना पाएगा। सच मोंटू? ठीक है मोंटू, मैं अभी खोलता हूँ तुझे। पर हाँ मोंटू, तूने प्रॉमिस किया तो तुझे वो निभाना पड़ेगा। हाँ हाँ। थैंक यू मानव, और सबसे पहले मैं तुझे तेरी लास्ट इच्छा चक्री वापस दूंगा। फिर तो उसे कोई भी लास्ट विश मांग सकता है ना? और तू अपने घर वालों के साथ अपनी बर्थडे पार्टी भी मना पाएगा, है ना? और तू बालवीर के साथ अपना बर्थडे केक भी काट पाएगा, है ना? हाँ। और फिर तू बालवीर की ड्रेस पहन के खुशी से इधर उधर उड़ेगा, नाचेगा, गाएगा, झूमेगा, और फिर तुझे बर्थडे गिफ्ट्स बहुत सारे मिलेंगे, है ना? तेरी ये सबसे बेस्ट बर्थडे पार्टी होगी, यही सोच रहा था ना तू? हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीटिंग है मोंटू, चीटिंग है ये। हाँ तो मैं चीटर होके खुश हूँ। देख अभी मैं फ्री हूँ और तू अभी बंदा हुआ है। अगर तू मेरी तरह समझदार होता ना तो तू मुझे कभी नहीं खुलता, और ना ही मैं तेरे बर्थडे पार्टी में आ पाता तो तेरी बर्थडे पार्टी कैसे खराब होती? कितना आसान है ना सच्चे और अच्छे बच्चों को बुद्धू बनाना। और मानव, अब तू बर्थडे पार्टी मनाना तो दूर, तू अपना बर्थडे पार्टी देख भी नहीं पाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.